इट्स अमेजिंग दैट कि ये अलग का जो टैलेंट आता है, जैसे आप हो, मुजीब है, इट्स समथिंग दैट यू डोंट सी इन अदर कंट्रीज एज वेल, कि ये जो मिस्ट्री बॉलिंग है जो पिक नहीं कर सकते, आपको पिक नहीं कर सकते, मुजीब को पिक नहीं कर सकते, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट. ये कहाँ से आ रहा है ये सब टैलेंट? I think it's all about you know natural in Afghanistan. जिस तरह इंडिया से सारे बैट्समैन आ रहे हैं, अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा बैट्समैन है, सब ऐसे बैट्समैन है कि एक दूसरे से अच्छे हैं. बाकी आप इंग्लैंड देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, वहाँ से फास्ट बॉलर्स ऐसे आ रहे हैं कि मतलब अच्छे डॉलर ऑलराउंडर्स आ रहे हैं. इसी तरह मतलब अफगानिस्तान से स्पिनर्स आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब कुछ टैलेंट आ रहा है अफगानिस्तान से. तो सिर्फ हमने एक चीज़ करनी है कि हमने अपनी बैटिंग को इम्प्रूवमेंट करना है. बाकी आई थिंक अगर बॉलिंग लिहाज से देख ले तो हमारी बेस्ट बॉलिंग है एज अ स्पिनर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स सब मतलब ऐसे है कि काफ़ी कंट्रीज़ के साथ नहीं होंगे जिस तरह हमारे साथ जैसे स्पिनर्स है. ये सब नेचुरली है. अगर आप अभी देख लो अफगानिस्तान में हर अकेडमी जाओ, आपको इतने स्पिनर्स मिलेंगे कि आप कहोगे कि यार इसमें किसको चुना जाए. अभी इतने ज़्यादा है, मतलब मैं पिछले साल जब IPL में था, जब IPL से गया डायरेक्ट, तो मैं एक अकेडमी गया वहाँ पे. तो जब मैं वहाँ पे गया तो उस अकेडमी के कोच ने मुझे कहा कि यार जब आप IPL में डाल रहे थे, अच्छा डाल रहे थे, तो आपकी वजह से लेग स्पिनर्स इतना ज़्यादा हो गए, अभी हमारे पास 126 लेग स्पिनर्स हैं. तो मैं हैरान हो गया कि एक अकेडमी अगर 126 हो गए तो पूरी कंट्री में कितने होंगे. कह रहे थे कि ऐसे बॉलर्स भी है कि फास्ट बॉलिंग कर रहे थे, आपको देख के उन्होंने लेग स्पिन शुरू की. तो मतलब ये सब नेचुरली है और काफ़ी टैलेंट है. अभी जब हम देखते हैं अकेडमीज में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है. लेकिन टैलेंट तो एक चीज़ है, जब आप में जो है टैलेंट से अलावा और कुछ है जो मैच्योरिटी है. दो तीन मैच पहले जब हम देखे थे कि आप क्रिस गेल को बॉल डाल रहे थे, बहुत बॉलर होंगे जो इट वुड हैव शैटर्ड देयर कॉन्फिडेंस. यू गेट हिट फॉर ऑल दोस सिक्सेस इन वन ओवर बाय क्रिस गेल एंड यू बी थिंकिंग दैट बस मेरा हो गया काम, आई एम नॉट बॉलिंग अगेन. येट यू वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम बैक एंड कम बैक इवन बेटर. एग्जैक्टली मतलब बुरे अच्छे दिन आते हैं, मतलब इन्हीं से सीखते हैं. अगर आप पे बुरा टाइम ना आ जाए तो आप बिल्कुल नहीं सीखोगे. मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा था कि मतलब ऐसे टाइम देखूं कि कल मैं अगर दोबारा आ जाए ऐसा टाइम तो मैं उस पर टाइम क्या करूँगा, मैं क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए. उन दो मैचेस के बाद जब मैं थोड़ा वो था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, थोड़ा सोच रहा था कि मतलब क्या गलत हुआ. बाकी तो मैंने कोशिश की है, लेकिन गलत क्या हुआ था. कोचेस के साथ टॉम मोरी सर, विवेश लक्ष्मण सर और मुरली सर के साथ बैठ गया. उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया, अपने जो करियर के जो स्टोरीज थे मुझे सुना दिए कि हमारे साथ भी इस तरह हुआ था, जब हमसे भी रन नहीं हो रहे थे इस तरह हुआ था, कभी अच्छा कर रहे थे कभी बुरा टाइम आता था. इस तरह मुरली सर ने कहा कि ऐसा मेरे साथ भी होता था, कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था. जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया ना, तो मैंने कहा कि यार ये तो क्रिकेट है, इसमें तो होता है. फिर मैंने अपनी वीडियोस देखे कि मैंने कहाँ पे रन्स खाए, मैंने क्यों खाए रन्स. तो मेरे ख्याल में थोड़ा मैंने ऊपर किया था, बहुत फुल किया था, क्योंकि उसको कोई भी मार सकता है. तो कोशिश की कि थोड़ा फिर स्पॉट बॉलिंग की और थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ किया. तो वही था कि अगेंस्ट मुंबई, इन मुंबई थोड़ा टफ भी था वहाँ पर मेरे लिए, क्योंकि ड्यू था बहुत ज़्यादा, ग्रिप करना भी थोड़ा मुश्किल था. लेकिन वही था कि मेरा फोकस था कि थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ डालना है अच्छी जगह पे, जो हो रहा है वो होने दो, बस मेरा यही प्लान है कि अच्छी जगह पे बॉलिंग कर लो. वही था कि गुड लेंथ पे बॉलिंग हो गई और अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग भी हो गई.